सबसे सस्ता केला और तेल इस्तेमाल करके एक कढ़ाई में वो चिप्स बनाते हैं एंड वो तेल वो 2 महीने तक रीयूज करते हैं। केले को ग्लव्स के बिना काटता है और काटने के बाद वो अपने ही गीली और गंदी लुंगी पर ही साफ करते हैं। कभी कभी इसकी पसीना भी इसमें गिरता है लेकिन उसको भी वो एक नमकीन पंच के नाम से बेचते हैं। लोग अभी बेहतर लाइफ स्टाइल में अपग्रेड हो रहा है लेकिन मार्केट में क्या अभी भी वही घिसे पिटे आलू और मैदे के चिप्स, नहीं तो उससे भी खतरनाक ये ग्रीस या नक्का चिप्स। अभी बहुत हो गया यार, अभी वक्त आ चुका है ये सब बदलने के लिए, लेकिन उसके पहले हम सबको चाहिए क्या, ग्रीस या नक्का से छुटकारा। एंड इट इज टाइम फॉर अस टू एम्ब्रेस क्वालिटी। इंट्रोड्यूसिंग बियॉन्ड स्नैक केरला बनाना चिप्स। And who better than a Malayali to tell you about banana chips?